26 तारीख को हमारे यहाँ पर एक घटना रिपोर्ट हुई, जिसमें कि एक दिनेश राघव नाम के व्यक्ति ने ये कंप्लेंट की कि उसे नोएडा सेक्टर 22 से बुक किया गया था। ये टैक्सी का ड्राइवर है जो कि स्विफ्ट डिज़ायर चलाता है। इसे वहाँ से दो लोगों ने बुक किया, उन दोनों लोगों के साथ में यहाँ पर आया। यहाँ पर अपना एक होटल है, होटल अनुराग नाम से, वहाँ पर के वहाँ आकर के लोग रुके। इस व्यक्ति को उन दोनों लोगों ने कुछ चाय में नशीली पदार्थ मिला करके पिलाया, उसके बाद में इसकी गाड़ी लेकर के वो फरार हो गए। ये व्यक्ति जब जगा, जब इसको होश आया दिन में करीब 2:30 बजे के आसपास, तब इस व्यक्ति ने आकर के थाने में कंप्लेंट की, जिसके बाद पुलिस ने इस गाड़ी का पता लगाना शुरू किया। पूरी प्रोसेस में जब पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तो गाड़ी जो है वो जोधपुर से, जोधपुर पुलिस की मदद से गाड़ी रिकवर की गई। वहाँ पे दो आदमी भी गिरफ्तार किए गए। बाद में अन्य लोगों को फॉलो करते हुए 3 और लोग उसमें राउंड अप किए गए। जिस तरह की हम आज 5 लोगों की गिरफ्तारी आपको बता रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन के बाद में 5 लोग हमारे हाथ लगे। इस तरह की वारदात में और भी लोग शामिल हैं, और ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो इस तरह से अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जहर खुरानी की वारदात करती है। और जो व्हीकल्स मिलते हैं, इन व्हीकल्स को, जैसे इस वारदात में जो लोग शामिल हैं, इंटरोगेशन से क्लियर होता है कि जोधपुर में कुछ दुकानें हैं जहां पर कि ये गाड़ियों को ले जाते हैं, उन्हें स्क्रैप करते हैं, और इनके पार्ट्स जो हैं अन्य व्हीकल्स में लगा करके फर्दर जो इनकम होती है वो इनकम करते हैं और आपस में बांटते हैं। इस तरह की कई वारदातों की जानकारी मिली है। इनके बताई और निशानदेही पर दो अन्य व्हीकल जो कि गुजरात और एक अन्य जगह से चोरी किए गए हैं इसी प्रकार जहर खुरानी करके, वो भी इसमें बरामद किए गए हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमें संभावना है कि काफ़ी बड़ी संख्या में उन्होंने पूरे देश में वारदातें की हुई हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह है जिसमें कि मुख्य रूप से जो लड़के हैं 5, वो उनमें से 4 लड़के तो उत्तर प्रदेश के मूलतः रहने वाले हैं, जिन्होंने अपना ठिकाना इस समय जोधपुर में बनाया हुआ है, दुकानें वहाँ पर इन्होंने खोल रखी हैं और वहीं पर ले जा करके ये स्क्रैप करते हैं। ये लड़के हैं, एक तो रियाज खां है, दूसरा शैफुद्दीन, तीसरा मोहम्मद रफ़ीक, चौथा रईस खान और 5वां मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद जो है वो वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश में ही रहता है। इनमें इनकी वारदात करने में शामिल होकर के, वारदात को अंजाम देने के बाद वापस अपने गांव चला जाता है। रियाज खान जो है मूलतः नागौर का रहने वाला है और फिलहाल जोधपुर में इसने अपनी दुकान कर रखी है, जिसमें कि ये पार्ट्स को तोड़ करके अन्य व्हीकल्स में लगाने की प्रोसेस करता है। इसमें मुख्य सरगना जो है वो हमारे पास में जानकारी में आ रहा है, एक अन्य व्यक्ति है जो लगभग 60 साल की उम्र का बताया जा रहा है। हम नाम का भी खुलासा नहीं कर रहे, पर उसके पीछे भी हमारी टीम लगी हुई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हम उसे भी पकड़ लेंगे। और बहुत संभावना है कि बहुत बड़ी संख्या में इन लोगों से इस तरह की वारदातें किए होने का पता चले। सर, इनका बैकग्राउंड क्या है, आज तक का कोई क्या स्टोरी का? लगातार देखिए, जैसा कि 3 तो हम अभी आपको बता रहे हैं, 3 व्हीकल्स हमारे पास में है, तो 3 वारदातें तो हमारे सामने ही हैं जो कि पिछले कुछ समय के इन्वेस्टिगेशन से ही हमारे सामने आ गई। पर ये बहुत बड़ी संख्या में काफ़ी वर्षों से इस तरह की वारदातें कर रहे हैं, और क्योंकि ये व्हीकल्स को स्क्रैप कर देते हैं तो वो व्हीकल बाद में कहीं पर ट्रेस ही नहीं होते हैं। अगर वो किसी व्हीकल को बाद में बेचते भी हैं तो उसके नंबर चेंज कर देते हैं, नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं, तो ये व्हीकल में इतने ज़्यादा बदलाव कर देते हैं कि अगर वो व्हीकल मिलता भी है तो कलर चेंज होता है व्हीकल का, नंबर प्लेट और कागज़ सब फर्जी बनाते हैं ये, तो वो व्हीकल दोबारा ट्रेस ही नहीं होता, तो इन तक लिंक नहीं जुड़ता है। इस मामले में पकड़े जाने के बाद से हमें जैसा पता चल रहा है, हमें लग रहा है बहुत बड़ी संख्या में व्हीकल्स को इस तरह से चुराया गया है और उनके पार्ट्स जो हैं अन्य व्हीकल्स में लगाए गए। टीम कितने दिनों से काम कर रही है? देखिए, 26 तारीख को वारदात रिपोर्ट हुई है, तब से ही लगातार टीम इस पर काम कर रही है और इसलिए आज हम इसका खुलासा कर रहे हैं। ठीक है।